display a high level of emotional and spiritual wisdom and maturity. ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी, 21st century फ्यूचर लीडर्स शुड स्ट्राइव टू हैव स्पिरिचुअल विजडम. ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ट्रू और फॉल्स करना है. तो इसमें बोला गया है कि टू बी अ लीडर वन नीड्स अ स्पेसिफिक ऑफिशियल रैंक और स्टेटस. लीडर होने के लिए क्या स्पेसिफिक रैंक या फिर स्टेटस होना ज़रूरी है? तो इसका भी आंसर आप लोगों को लेक्चर मटेरियल से ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा. तो इसमें आप देखोगे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, ए लीडर कैन बी एनीवन. लीडर कोई भी हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ अ फॉर्मल पोजिशन. जिसे कोई भी फॉर्मल पोजिशन हो अथवा ना हो वो चलेगा. हु सर्व्स एज एन इफेक्टिव सोशल एजेंट. ठीक है, तो इसका भी आंसर हम लोगों को मिल गया. इसका क्या आंसर होगा? टू बी अ लीडर वन नीड्स स्पेसिफिक रैंक और स्टेटस. नहीं चाहिए. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि रैंक होना ही चाहिए. ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ट्रू और फॉल्स ही है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑप्शन ए है द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस. ऑप्शन नंबर बी है मैनेजमेंट इज लिंक्ड डायरेक्टली टू अ फॉर्मल पोजिशन एंड द अथॉरिटी दैट कम्स विथ इट. थर्ड है द लीडरशिप प्रोसेस इज इंटेंशनल. एंड फोर्थ वन इज मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आर वन एंड द सेम थिंग. तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. ठीक है, मैं इसका आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आर वन एंड द सेम थिंग. तो लेक्चर मटेरियल में जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर जो आप फर्स्ट स्टेटमेंट इसका दिया हुआ है आप उसको रीड करो. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लीडरशिप इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशनल अथॉरिटी. पोजिशनल अथॉरिटी के इंडिपेंडेंट होता है लीडरशिप. वही बात अगर मैनेजमेंट की जाए तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि दोनों सेम होता है, तो सेम तो नहीं होता है. यहाँ पढ़ सकते हो कि मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आर वन एंड द सेम थिंग. दोनों सेम तो नहीं होता, ये हम पाए लेक्चर मटेरियल से. ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोगों का फॉल्स हो जाएगा. बाकी सारा जो है वो ट्रू है. ठीक है, जब आप रीड करोगे पूरा लेक्चर मटेरियल तो आपको बाकी जो वन ए बी सी जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर हम लोग आते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एजुकेशनल लीडरशिप इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर नेक्स्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसको आप रीड करो. एजुकेशनल लीडरशिप इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एजुकेशनल लीडरशिप जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और लर्निंग आउटकम्स. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स लर्निंग. ठीक है, तो चलिए अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द प्रीवियस फोकस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप हैज़ बीन ऑन. ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या फील होगा मैं आपको बता देता हूँ कि फिफ्थ नंबर का जो आंसर होगा वो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होगा. ठीक है, मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ. तो इसमें आपको स्टेटमेंट वन में आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा. देखिए इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी द स्लोगन लीडरशिप फॉर लर्निंग इज रिप्लेसिंग द प्रीवियस इम्फेसिस ऑन मैनेजिंग द करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप. लीडरशिप फॉर लर्निंग जो है वो रिप्लेस कर रहा है जो प्रीवियस हम लोगों का इम्फेसिस था, स्लोगन था. क्या था? तो मैनेजिंग द करिकुलम या फिर इंस्ट्रक्शनल
लीडरशिप, तो मैनेजिंग द करिकुलम तो हम लोगों को ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 है, तो हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो आप देख सकते हो मैं आपके लेक्चर मटेरियल से ही सारा आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को यह विश्वास भी होगा कि ये सारे आंसर सही हो रहे हैं। अगर मुझसे कहीं कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कौन सा गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, या कुछ भी राय देना चाहो तो दे सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, करेंट एम ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इज टू, हम लोगों का जो एम है एजुकेशनल लीडरशिप का वो क्या है। तो इस कोर्स के अकॉर्डिंग, इस लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें रीड करो, यहाँ पर टू प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स हु कैन डिवाइज इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर मैनी ऑफ आवर क्रिटिकल सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, यही हम लोगों का एम हो जाएगा, किसका, तो एजुकेशनल लीडरशिप का। तो करेंट एम ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इज टू प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्साइटिंग इशू करेंटली इन एजुकेशनल लीडरशिप, एक्साइटिंग इशू जो है एजुकेशनल लीडरशिप का अभी वो क्या है। तो इसका जो आंसर होगा 7 का वो हम लोगों का हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए आप, इसमें जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ इशूज़ एंड चैलेंजेस दिए हुए हैं। तो जब आप इस जो दिए गए इशूज़ है इसमें आप 3rd नंबर रीड करो, क्या है, मैनेजिंग द स्टाफ रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज़ इन एजुकेशनल लीडरशिप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा कि मैनेजिंग द स्टाफ रिलेशनशिप ये 7 का हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को बोल रहा है, वन ऑफ द चैलेंजेस बींग फेस्ड इन एजुकेशनल लीडरशिप इज द टेंशन इन बींग द वन ऑफ द चैलेंजेस है वो एजुकेशनल लीडरशिप में जिसमें टेंशन होता है, किसमें, क्या होने में एक टेंशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 आप रीड करो। ठीक है, टेंशन इन बीइंग द चेंज एजेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज एजेंट। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड इन एजुकेशनल लीडरशिप इज द टेंशन इन बीइंग चेंज एजेंट। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं, चलिए इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश बेस्ड ट्रेनिंग अप्रोचेस ऑफ्टन मिस द की डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप एंड हैंस नीड टू इंक्लूड कैपेबिलिटीज डिनोटिंग अ डायनेमिक कैपेसिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 9 का वो कॉम्पिटेंसी हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटेंसी, इसमें आप इसका जो डिफिनेशन है या जो स्टेटमेंट है उसको आप रीड करो, बेस्ड ट्रेनिंग अप्रोच कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग अप्रोच ऑफ्टन मिसेस द की डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप। ठीक है, और यही स्टेटमेंट हम लोगों का दिया हुआ है, डैश बेस्ड ट्रेनिंग अप्रोचेस ऑफ्टन मिस द की डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसी तरीके का सॉल्यूशंस पाने के लिए आप लोग इस चैनल से कनेक्टेड हो जाना, सब्सक्राइब कर देना, और जिनको ज़रूरत हो उन तक शेयर कर देना। मन हो, पसंद आए जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आंसर के मीडियम का, तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हो, ना मन करे तो मत करना, और क्या। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द PRES मॉडल इज अ मॉडल ऑफ, या जो मॉडल दिया गया है PRES, यह किसका मॉडल है। ठीक है, तो इसका जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं,
क्रिएस्मेटिक लीडरशिप, ऑथोरिएटिव लीडरशिप, ऑथेंटिक लीडरशिप और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का, वो लेक्चर मटेरियल के ही अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का हो जाएगा ऑथेंटिक लीडरशिप। ठीक है, इसमें भी आप रीड करो, हेल्पर्न एंड ल्यूबान इन 2003 ऑफर्ड अ मॉडल ऑफ ऑथेंटिक लीडरशिप कॉल्ड PRES, जिसमें पी स्टैंड्स फॉर बींग प्रेजेंट, आर स्टैंड्स फॉर रीचिंग आउट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेसिवनेस एंड एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ नोइंग। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑथेंटिक लीडरशिप। तो इसी